आदिवासी तथ्य। दोस्तों, हमारे देश भारत में करीब 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से अधिक आदिवासी रहते हैं और इन आदिवासियों के अपने संस्कृति और रीति रिवाज हैं। आज हम भारत के आदिवासियों के बारे में रोचक तथ्य जानेंगे। आइए यह वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, दोस्तों भारत के आदिवासियों का एक समूह संथाल है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। सिद्धो कानो, चांद, भैरव, फूलो और जानो, यह कुछ प्रमुख नाम हैं। संथालों के घरों पर खिड़कियां नहीं होती हैं। इनके घरों के सामने दीवारें हमेशा खाली रहती है, जहां अधिकतर घरों के यह देखने में आता है कि खिड़कियां और दरवाजे सभी हैं, पर संथाल आदिवासियों में यह बात नहीं है। इनके घरों की खिड़कियां नहीं होती हैं। नंबर दो, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं। यहाँ भील, गोंड, कोरकू, कोल, उराव व सहरिया आदिवासियों की संख्या अधिक है। भील मध्य प्रदेश के पश्चिम में बसे हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिम के कई नगरों को बसाया और शासन किया, और गोंडों ने पूर्वी दक्षिणी भाग में शासन किया। यह लंबे समय से गोंडवाना और भील प्रदेश की मांग की जाती है। नंबर तीन, भारत के पूर्वी राज्य नागालैंड में नागा आदिवासी रहते हैं। नागालैंड का एक गांव लोंगवा है। यह आधा गांव भारत में और आधा म्यांमार में आता है। इस गांव के आदिवासियों के सामने अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि इस गांव के नागा आदिवासी अन्य लोगों के सर काट कर गाँव लाते थे। जो ज़्यादा सिर काट कर लाता उसे बलशाली माना जाता। वैसे यहाँ कोन्या नागा अधिक संख्या में बसे हैं। इस गांव में नागा राजा रहते हैं। उनका आधा घर भारत में और आधा म्यांमार में है। वे 100 गांवों के राजा हैं। यहाँ के राजा को अंग कहते हैं। यहाँ भारत से म्यांमार के लिए कोई वीजा नहीं लगता। नंबर चार, भारत का एक द्वीप सेंटिनल है। यहाँ के आदिवासी आज भी पाषाण युग का जीवन जी रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई गया नहीं। भारत में कई आक्रमणकारी आए और सेंटिनल द्वीप भी गए, पर वापस कभी लौट कर नहीं आ पाए। इस द्वीप पर ब्रिटिश राज के दौरान फ्रेंच व ब्रिटिशर्स भी गए थे, पर वे इस द्वीप पर टिक नहीं सके। 2006 में कुछ मछुआरे भी गए, लेकिन वे भी नहीं बच सके। 2004 में अंडमान द्वीप में भयंकर सुनामी आई, तब भारतीय सेना ने सेंटिनल द्वीप की तरफ गए कि वहाँ के आदिवासी सही सलामत है या नहीं। पर जैसे ही हेलीकॉप्टर द्वीप के नज़दीक गया, वहाँ के आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर आग के तीरों की बारिश कर दी और बड़ी मुश्किल से वे बचकर आ पाए। दरअसल सेंटिनल द्वीप में करीब 60,000 वर्षों के पहले से यहाँ आदिवासी रह रहे हैं। यह समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ के आदिवासी आज भी यहाँ पुराने तौर तरीके से जी रहे हैं। भारत सरकार ने इस द्वीप को संरक्षित घोषित किया है। इस द्वीप पर भारतीय सेना के जाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। नंबर पाँच, आदिवासी समाज प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं। यह लोग पेड़ पौधों को राखी बांधते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी फसलों को राखी बांधते हैं। नंबर छः, हिमाचल क्षेत्र में गायों की प्रजाति मिथुन जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, इन्हें बचाने का काम आदिवासी कर रहे हैं। तेजी से कटते पेड़ और बढ़ते तापमान और खनन के कारण जीवों और इंसानों पर खतरा मंडरा रहा है। इंसान विकास के नाम पर इस हरी भरी पृथ्वी को उजाड़ कर अपने साथ दूसरे जीवों के जीवन को भी खतरे में डाल रहा है। तापमान बढ़ने कारण मिथुन की रिहाइश वाले इलाकों पर खतरा बढ़ रहा है। आदिवासी इन जीवों को बचाने का काम कर रहे हैं। नंबर सात, आदिवासियों में उल्टी घड़ी यानी सामान्य तौर पर जो घड़ियाँ होती हैं उसके विपरीत आदिवासी घड़ी चलती हैं। यह घड़ी प्रकृति के अनुसार दाएं से बाएं चलती है। उम्मीद है आदिवासियों के तथ्य से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।